वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्हाइट एजुकेशन में। आज का ये वीडियो आप लोगों को लेट मिल रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कारण क्या है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे वीडियो आपको लेट मिल रहा होगा। रोज सुबह के 10 बजे ये क्लास आप लोग अटेंड करेंगे, जी हाँ डेली 10 बजे आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आज का ये सिनारियो जो है आपको लेट मिल रहा है। चलिए जानते हैं इन 45 प्रश्नों में, जनरल साइंस के इन 45 प्रश्नों में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है बिहार दरोगा मींस कांस्टेबल और साथ ही साथ जो भी छात्र यहाँ पे एसएससी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो ये वीडियो को देखें रोज डेली और एक्सक्यूज को अटेंड करें। चलिए लगाते हैं इस टेस्ट को, देखते हैं कौन कितना उत्तर सही करता है। अंत में आंसर देकर जरूर जाएंगे। जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और सुबह के 6 बजे ये क्लास दी जा रही है आपको करेंट अफेयर की। डेली करेंट अफेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट है और ये डेली में आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा बार बार यही बात कि ये 10 नहीं बल्कि इन 10 के अलावा इनकी जो व्याख्याएं दी जाती हैं, इनका जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उनको मिलाकर ये 50 क्वेश्चन के बराबर ही हो जाता है ये वीडियो। तो इस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग रेगुलरली, है ना। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। अब पहले प्रश्न का ये रहा आपके सामने दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित सही नहीं है। तो सुमिलित सही नहीं है, देखिए नहीं बोल दिया गया है, कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन आपको, इसलिए ध्यान से आंसर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जिनका उत्तर डी आ रहा है, देखिए सेल्सियस को ऊष्मा की इकाई नहीं मानी जाती है, ठीक है याद रखिएगा। सेल्सियस जो होता है वो ताप मापने की इकाई होती है, बाकी डेसिबल, अश्व यानी कि हॉर्स पावर और समुद्री मील जो है इनका सही सुमेलन किया गया है यहाँ पे तीनों का, ये उत्तर सही होता है आपका डी, ओके जो कि गलत है। यहाँ पे सेल्सियस जो है ताप मापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, नहीं फिर से बोल दिया गया है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए ध्यान से आप लोग आंसर कीजिएगा। ओके आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे बिल्कुल डी। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए ऊष्मा जो है एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करता है, किसको, तापांतर को, है ना। और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्प्लेस्ड हो सकता है यानी कि स्थानांतरित हो सकता है, और स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के माध्यम में ही होता है, ठीक है। तो ऊष्मा के बारे में इतनी सारी बातें बता दी, ऊष्मा से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो बता लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब जो वाट होता है, ये जो वाट होता है ना, ये 1 जूल क्या होता है, पर सेकेंड होता है, ठीक, 1 वाट में जूल पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये वाट जो है वो शक्ति मापक इकाई है, किसकी, शक्ति मापक यानी कि पावर की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, फिर से बोल दिया गया है नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीलिम्स में 2017 के पेपर में, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं बोल दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर करेंगे सेंटीग्रेड, ठीक है। ऊष्मा की इकाई मैंने आपको क्या बताया कि सेंटीग्रेड नहीं होता है, बल्कि जो तापमान होता है उसकी इकाई होती है, जैसे कि कैलोरी, जूल, अर्घ, ऊष्मा की इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, स्थानांतरण कर सकता है, ठीक है, उच्च माध्यम से निम्न माध्यम की तरफ, ठीक, वो ऊष्मा कहलाती है। चलिए याद रखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 1 किलोमीटर दूरी की तात्पर्य किससे है। चलिए देखिए ऑप्शन में मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए आपको, और ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि हर तरह के क्वेश्चन आपको मिले, तो आप एग्जाम में बिहार दरोगा के मेंस में बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। और चूंकि ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना है कि RRB NTPC सब में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे सी, 1000 किलोमीटर, जी हाँ दूरी मापने की SI मात्रक होता है मीटर एक्चुअली, ठीक है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर में अगर आपको आंसर देना होता तो देखिए 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो अब किलोमीटर में निकाल लीजिएगा इसको, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करके। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों,
एक पीकोग्राम बराबर होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है, तो आंसर कीजिएगा, एक पीकोग्राम जो होता है दोस्तों आपका होता है 10^-12 मीटर, लिख लीजिएगा, ये माइनस में है चीज़ें, यहाँ पे जो पावर में दी गई है टू दी पावर है, ठीक है, तो जिनका उत्तर आ रहा है, तो देखिए एक पीकोग्राम होता है 10^-12, अगर ग्राम में पूछे तो, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पे गलत दिया गया है, देखो ये ग्राम में है तो यहाँ पे मीटर नहीं होगा, ये ग्राम होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने भी यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया, ठीक है, क्योंकि यह हो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ठीक है, ये ग्राम होता है, ठीक, चलिए याद रखिएगा, ओके, और एक पिकोग्राम होता है 10^-12 ग्राम, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पास्कल इकाई है किसकी, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों इससे, बी दाब यानी कि प्रेशर की, ये मैं बता चुका हूं कल भी आपको, एक पास्कल में कितना होता है, एक पास्कल कितने के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन/मीटर² के ये बराबर होता है एक पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दाब की इकाई क्या होती है, प्रेशर की दाब की इकाई क्या है, तो आंसर कीजिएगा न्यूटन/मीटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, चलिए आंसर करिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और ये सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है प्रश्न प्रीलिम्स में। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो वायुमंडलीय दाब होते हैं, जो प्रेशर्स होते हैं, उसका गैर एसआई मात्रक अगर पूछे तो बार होता है, बार, ठीक है, और जो 10^5 N/m² के बराबर होता है, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बार में कितने न्यूटन के क्या होता है, एक बार बराबर कितना हो सकता है, तो ये N/m² यानी 10^10 इतना होता है, ओके। चलिए याद रखिएगा, और ये पास्कल हो जाता है फिर, चलिए क्योंकि प्रेशर है यहाँ पे, दबाव है, ठीक है, तो इसका पास्कल ही होगा यूनिट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 1 kg/cm² है, ये पर सेंटी स्क्वायर है, 1 kg/cm², ठीक है, दाब समतुल्य है कितने के, तो ये क्या है, ये यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन करना है बस, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है उसके ऊपर कैलकुलेशन करना, तो ये एक बार के बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये एक डाइन एक्चुअली यहाँ भी पूछ सकता है, एक डाइन इज इक्वल टू, तो 1.2 × 10^-6 किलोग्राम होता है, तो वहीं एक बार जो होता है 10^6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 159 लीटर का होता है, ठीक है, एक बैरल लगभग 159 होता है, चूंकि 158.98 होता है लीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा एक बैरल में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम लंबाई की इकाई क्या है, न्यूनतम पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन में, तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों फर्मी मीटर, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, 1 फर्मी मीटर जो है ये कितने के बराबर होता है, तो 10^-5 मीटर के बराबर होता है, ओके, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे सुमेलित करना है इनको, है ना, तो चलिए सुमेलित करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल देखिए क्यूशेक को हम किससे मैच करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा, हाँ क्यूशेक को मैच करेंगे दोस्तों प्रवाह की दर से, ओके, उसके अलावा हम फिर मैच करेंगे दोस्तों बाइट को कंप्यूटर से, ठीक है, बीट और बाइट हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं, रिएक्टर है ना, तो रिएक्टर का जो हम लोग मैच करेंगे दोस्तों यहाँ पे किससे करेंगे, तो भूकंप की तीव्रता मापती जाती है इसे, और बार तो अभी मैंने बताया आपको प्रेशर यानी कि दबाव के लिए, ओके, तो ये आपका सुमेलन है, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, 4, 2, 1 आंसर बी कर लेंगे आप लोग यहाँ पे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, आप लोग के पास 3 सेकंड का हर क्वेश्चन को बताने का समय होता है, तो आंसर बिल्कुल छोड़ना नहीं है आप लोग को यहाँ पे, बिल्कुल क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो आंसर करेंगे दोस्तों इट्स जल का बहाव माप सकते हैं हम लोग, क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकंड, है ना, याद रखिएगा
क्यूशेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड, जो कि जल बहाव की दर मापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में आयोजन परत की मोटाई नापने की वाली इकाई होती है। आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, है ना। तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी डॉप्सन। नोट क्या कर लीजिएगा, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। यह डॉप्सन जो है इकाई मानक ताप तथा दाब पर 10 माइक्रोमीटर यानी कि म्यू एम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ओजोन की परत को व्यक्त करता है। ओके चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये अभी मैंने बताया ओजोन की परतों की मोटाई मापने के प्रयोग किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में 2005 में ही, ठीक, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ। अब बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। थोड़ा सा जूम आउट कीजिए सर यहाँ पे, चलिए ये आप बताइए कथन सही नहीं है चारों में। ऑप्शन आपके सामने है और जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको एक फिजिक्स के रिगार्डिंग पूरा नोट्स दे दूंगा, है ना, उसका आप लोग याद कर लीजिएगा उसको पूरा, जो भी आपके मापक यंत्र हैं उसके पैमाने हैं, क्योंकि आज यहाँ पे एसआई मात्रा का जो चैप्टर है फिजिक्स का समाप्त हो गया। कल से हम लोग दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, है ना, उसके क्वेश्चन आंसर जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब आप लोग केमिस्ट्री का आंसर कीजिएगा 16 का कि कौन सत्य नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इनमें से देखिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप लोग आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर आप लोग रसायन शास्त्र में पढ़े होंगे घुलनशील वस्तुओं के बारे में, जब भी जल में किसी भी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर क्वथनांक उसका बढ़ता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित जो विलय अणु होते हैं वह जल के वाष्पन की दर को कम कर देता है, जिसके चलते ये दबाव के चलते ये बढ़ जाता है इसका, ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अशुद्धियों के कारण द्रव्य कथनांक, चलिए अशुद्धियों के कारण द्रव्य का कथनांक है जो, वो क्या होता है तो बढ़ जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन में मैंने अभी ऊपर बताया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है वो 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है। चलिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है ना, पॉइंट है जो, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडलीय दबाव हो जाता है वो कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है, और जब जल का ताप पर ही अगर उबलने लगे तो इसी प्रकार से ऊंचाई पर क्या होगा तो खाना पकने में देरी से होता है। अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि जो खाना पकता है वो काफ़ी देर से पकता है ना, आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। कथन दिया हुआ है उसका कारण बताया गया है, अब बताना आपको कि कौन सा कथन सही है या गलत है, या कथन सही या आंसर इसका जो दिया गया है कारण वो गलत है। तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये कहा गया है कथन। कारण बताया गया कि नमक बर्फ का हिमांक को बढ़ा देता है। तो देखिए यानी कि कथन तो है बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है, कि नमक और बर्फ का मिश्रण जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान को प्राप्त करता है, लेकिन जो इसका कारण दिया गया है कि हिमांक को बढ़ा देता है इसलिए होता है ऐसा, तो ये गलत है, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे कि इम्प्योरिटीज़ जो कि अपद्रवों को मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक का सूरा या फिर नमक डाल दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका कारण है, मुख्य कारण, ठीक है। तो आंसर है जो यहाँ पे आपका सी होगा कि कारण ये गलत है, ठीक है, बाकी ये जो कथन है वो तो यहाँ पे सही कहा जा रहा है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे दोस्तों 20। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड है ना, कोलाइडी तंत्र को अभिव्यक्ति होता है। चलिए आंसर कीजिएगा। देखिए कोहरे में जलवाष्प का संघनन जो होता है वो लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए ध्यान दे रहे हैं कभी भी जो धरातल की दृश्यता
को प्रभावित भी करता है और धरातल पर नज़दीकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं दिखाई देती हैं कोहरे में, ठीक है। तो ये कारण क्या है इसका, तो कारण है गैसों में द्रव्य का, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर उसको असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है यानी कि शरबत बनाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगा। क्वेश्चन समझिएगा, नहीं बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 100 ग्राम चीनी को अगर आधा लीटर पानी के साथ मिलाते हैं हम लोग और उसको घोल बनाते हैं तो चीनी जो है पानी में घुली रहेगी तथा इसके और चीनी के घुलने की संभावना पूरी तरह से संभवतः होती है, घुली जाती है, क्योंकि यह विलयन असंतृप्त है और यह प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता और घनत्व भी बढ़ जाएगा परंतु आयतन जो है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जो है आयतन जो है वो नहीं बदलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कथन दिया है दो ठो यहाँ पे और इसके नीचे चार ऑप्शन है, इस पर विचार करने आपको है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे कथन की प्रतिलोम प्रसारण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे ना तो ए और ना ही बी, ये कथन सोचने और विचारणीय है, ठीक है। चलिए आंसर हमारा डी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है, कहाँ होता है क्रोमेटोग्राफी का। तो आंसर करेंगे दोस्तों एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, जी हाँ, रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने के लिए ये टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, क्रोमेटोग्राफी, ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ठोस कपूर का वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न, आपका प्रीलिम्स में आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। यहाँ पे सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है, सूचियों में दिए गए कूट को भी सही बताना है आपको यहाँ पे। तो सूची आपके सामने है, ये देखिएगा यहाँ पे क्या सुमेलन सही बताया जाएगा, ये देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे दोस्तों क्या, तो देखिए उपचयनांक दिया गया है और कुछ तत्व दिए गए हैं, उसमें कितने तत्व होंगे ये बताना हमें, ठीक है। तो किसी यौगिक की ऑक्सीकरण जब होता है तो संख्या शून्य होती है और उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं में घटक के अनुसार उसको योग बनता है। जैसे कि MnO2 की अगर हम बात करें तो Mn जो है इसमें उसका उपचयनांक है, ठीक है। तो ये पहले में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये होगा दोस्तों इसके साथ चार के साथ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा आपका ऐसे चार होगा। तो देखिए अगर आप Mn को यहाँ पे उपचयनांक मानते हैं, उसको x मानते हैं, ठीक है, तो x प्लस यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीकरण होगा तो ये इसकी जो वैल्यू होगी -2 हो जाएगी, ठीक है। और -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और x = -4 तो x = +4 में जाएगा, इधर जाएगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, कुछ इस तरह से समीकरण बन के निकलेगा। उसी तरह से समीकरण यहाँ पे निकलेगा H2SO4 का कितना, तो 6, तो यहाँ पे इसको मैच कर लीजिएगा। उसी तरह से आपका जो CaO का CA उपचयनांक निकलेगा कितना, तो ये निकलेगा 2, ठीक है, आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा। और फाइनली इसका जो होगा वो 3 निकलेगा। ये आपका समीकरण के थ्रू निकाल सकते हैं आप इसको, उपचयनांक और इसकी सूची को। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे, जिनका भी उत्तर ये आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगला है कि क्वेश्चन है कि कथन है और उसके कारण दिए गए हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसके बाद इसका आंसर जरूर कीजिएगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है। चलिए तो देखिए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन जो बंधुताएँ हैं वो सामान्यतः घटती जाती हैं जबकि जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो कथन जो है आपका ए दिया हुआ है जो वो गलत है जबकि कारण इसका आर सही है। ये कथन गलत है और आर यहाँ पे कथन है जो कि सही बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इट्स ए डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी विचार करने योग्य है, ये पेपर भी बहुत टफ है, मतलब कि क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ किसी भी आवर्त की अगर हम बात करेंगे तो अनुदिश
आयन जो होते हैं वो विभव धीरे धीरे बढ़ता है इसका। लेकिन किसी वर्ग की बात करें, समूह की बात करें, तो परमाणु भार हमेशा वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी कम कर देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आवर्त में, तो आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये तीन कथन हैं यहाँ पे मेरी तरफ से बताए गए। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे जो है विचारणीय है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, केवल दो जो कथन है ना, ये विचारणीय है। ठीक, आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों बेसिक और एसिडिक। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा भूप्रपट्टी पे, है ना। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल, मतलब कि हमारे पूरे इस वायुमंडल में पूछे जाए, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भूप्रपट्टी की बात की जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन जो है 46% है, सिलिकॉन 27% है, और कैल्शियम 3.65% है, और कार्बन 0.6% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भूप्रपट्टी द्वारा, भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, और ये क्वेश्चन सारे पूछे गएंगे अब आपसे बायोलॉजी में, यानी कि लाइफ साइंस से। तो 31 का आंसर कीजिएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स बी, डार्विन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास के बारे में सबसे पहले समझाया था लैमार्क ने। नोट कर लीजिएगा, लैमार्क जो है इन्होंने परिकल्पना पर पहला अपना तर्क रखा था, और फ्रांसीसी हैं ये, जीव वैज्ञानिक हैं वहाँ के। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? आंसर करेंगे दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन को सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सुमेलन कीजिए इसको, चलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये ब्रिज हैं। और विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया डार्विन ने। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया दोस्तों विडल और टैटम ने। और ऑपरेशन अवधारणा, ये दिया आपके जैकब और मोनोड ने। ठीक है, तो ये आपका सुमेलन यहाँ पे सही होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ 4312, आंसर बी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक वर्णन। ठीक है, जैव विकास की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। इवोल्यूशन का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वर्णन यानी कि नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, चलिए, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के लिए। ठीक है, यूज्ड एंड डिजीज, है ना, ये कहा गया था इसके बारे में। कौन कहा था? तो फ्रांसीसी एक जैव वैज्ञानिक थे, लैमार्क, उनके द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो भारत की विशाल वन्य बिल्लियों की बात हो रही है, ये चीता, ठीक है, इसको चीता कहते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये अब विलुप्त हो रही हैं भारत से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक मनुष्य के हाल ही में पूर्वज हैं? आधुनिक मनुष्य के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, आंसर करेंगे जल्दी से क्रो मैग्नोन। नोट कर लीजिएगा आंसर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, क्रो मैग्नोन मानुष जो हैं वो आधुनिक मनुष्य के हाल ही के पूर्वज हैं। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो वैज्ञानिक हैं वर्तमान में होमोशेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव का एक उपजाति यानी कि सब स्पीसीज, हम होमोशेपियंस यानी कि फॉसिल्स, है ना,
मानते हैं। क्रोमैग्नॉन जो है वो शरीर का गठा हुआ और लगभग 166 सेंटीमीटर लंबा यानी कि 6 फुट लंबा व्यक्ति होता है तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर की होती थी। ठीक है, तो इसको हम लोग मानते हैं कि इसको, तो क्रोमैग्नॉन को यहाँ पे आंसर बी कर लीजिएगा, आधुनिक मनुष्य का वंशज। आक्रियोटेरिस, चलिए आक्रियोटेरिस ये है, तो यहाँ पे बताइएगा क्या है ये। बिल्कुल, ये जुरैसिक युग सर्व पुरातन पक्षी है, ये बीपीएससी में पूछा गया था अभी हाल ही में, 95 का क्वेश्चन है ये वैसे। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे ऑर्क्योरेटिस, ऑर्क्योपेरेटिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच में योजक कड़ी है, तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे सरीसृप या पक्षी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैमथ पूर्वज हैं किसके, बिल्कुल हाथियों के, जी हाँ नोट कर लीजिएंगे आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डायनासोर थे, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, डायनासोर के बारे में कुछ बताइए यहाँ पे। बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों ये मेसोजोइक सरसृप थे, ये एक तरह के डायनासोर, ठीक है, जो कि अब से 3.5 करोड़ वर्ष पहले, जुरैसिक काल्पनिक है एक तो है ना, उसमें 5.5 करोड़ वर्ष की बात की गई है, और क्रिटेशियस जो कल्प है वो 7 करोड़ वर्ष पहले की बात की गई है, तो उस समय के ये प्रजाति थे। ठीक है, इनके जीवाश्म अभी मिलते हैं, तो इसको एक कल्पना के रूप में इनको बताया जाता है। ठीक है, डायनासोर रहे, बिल्कुल आंसर कीजिएगा, मेसोजोइक युग में थे ये लोग। ठीक है, डायनासोर्स। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। ठीक है, ये जो है ये जीवों के संदर्भ के विकास की बात की जा रही है, तो इनका अनुक्रम यही सही है। ठीक है दोस्तों, जो कि लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष का पुराना मतलब इतिहास है इनका। ओके, तो दोस्तों आज के सिनारियों में इतने ही क्वेश्चन थे, और आज के वीडियो में आप लोगों ने कितने उत्तर सही किए ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। बिहार दरोगा, बिहार एसआई और मेंस के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, और जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी छात्र यहाँ पे देखें, जुड़े हमारे साथ और क्यूज़ में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, सुबह के 10 बजे क्यूज़ लेकर आते हैं, मिलते हैं आपको शाम को। ओके, बाय बाय।